सर हाउ इज द फिल्म, पिक्चर कैसी लगी? पिक्चर अच्छी है, ठीक है। पैसा वसूल है? हाँ। फीमेल सेंट्रिक फिल्म बहुत कम बनती है, आपको क्या लगता है गंगूबाई काठियावाड़ी थिएटर में धमाल मचाएगी? एक रियल स्टोरी है तो थोड़ा बहुत चलना चाहिए। अच्छा, आपका पैसा वसूल हुआ, आपको क्या लगता है? देखनी चाहिए ऑडियंस को ना। रेटिंग क्या है आपकी 5 में से? 3। थैंक यू सर, थैंक यू। व्हाट्स योर टेक ऑन द फिल्म सर, कैसे लगी आपको? पिक्चर बहुत अच्छी है। अच्छा, वेरी नाइस। फीमेल सेंट्रिक फिल्म है तो क्या ऑडियंस पसंद करेगी? करेगी, करेगी। अच्छा, वुमेन ओरिएंटेड मूवी है लेकिन पकड़ मजबूत है, रेटिंग बहुत अच्छी है। संजय लीला भंसाली मतलब काफी वक्त के बाद रिटर्न आया, क्या लगता है? उसका महत्व है। हा हा हा। और यहाँ पे एक इमोशनल मैसेज भी दिया गया है, वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह। yes. तो क्या लगता है ऑडियंस को सबको देखनी चाहिए फैमिली के साथ? देखिए, देखनी तो चाहिए, वुमेन को प्रायोरिटी तो मिलनी चाहिए। वो रजूआत इसमें की है उन्होंने। म्यूजिक एक्शन या मुझे सॉरी म्यूजिक कैसा लगा? म्यूजिक वगैरह, डायरेक्शन वगैरह अच्छा, पुराने टाइम का जो म्यूजिक था वो दिखाया है और अच्छा लगा। आलिया भट्ट के रोल के बारे में खास कहा? टॉप टॉप कमाल का। क्या लगता है इस बार अवार्ड ले जाएगी? ले जाएगी। कितना रेटिंग 5 में सर? सर इसमें 5 में 4 है। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाउ इज द फिल्म मैम, कैसी लगी फिल्म? ब्रदर हाउ इज द फिल्म, कैसी लगी फिल्म? ठीक है, मेरे ख्याल से कास्टिंग का लगता है। अच्छा, कास्टिंग का लगता है। क्या लगना है किसको किसको आना चाहिए था, क्या लगता है? आलिया के अलावा कंगना को होना चाहिए, उमा कुरैशी, माधव दीक्षित होनी चाहिए। मतलब मुझे कास्टिंग को लेकर के बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है। इसके अलावा बाकी सब ठीक है? इसके अलावा मतलब स्टोरी वही है कि मतलब स्टोरी तो कह सकते हैं कि पुरानी स्टोरी है जो एक साली की दिखाई जाती है, पुरानी स्टोरी, कोई नई स्टोरी का साथ आज दम नहीं है। डायरेक्शन ठीक ठाक है। आलिया भट्ट ने क्या इम्प्रेस नहीं किया क्या आपको? मतलब कैसा, मतलब मतलब आपको इस कैरेक्टर को जब दिखाते हो ना वो इस एज में परफेक्ट होना चाहिए। समझ गया। हाँ बिल्कुल, मतलब जो बिल्कुल एज डिफरेंस है ना वो नहीं है, फिर परफॉर्मेंस भी नहीं है, बहुत अच्छी है। समझ गया। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे आप सर 5 में से? सर 1 स्टार दे दिए। अच्छा, थैंक यू सर। सर गंगूबाई काठियावाड़ी कैसी लगी सर? बहुत शानदार मूवी है, आलिया भट्ट जी का शायद सबसे अच्छा काम है। अच्छा, पैसा वसूल है ये? हाँ पैसा वसूल है। फीमेल सेंट्रिक फिल्म को देखते हैं ऑडियंस ज्यादा आते हैं लेकिन आज हाउसफुल था, क्या तो क्या कहना उसके बारे में? हाँ, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि शायद जो ट्रेलर में दिखाया गया उससे अच्छा हमको मिला है। अच्छा, दो लोगों के बारे में जानना चाहूंगा, अजय देवगन और विजय राज, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छा काम, विजय राज जी का बहुत अच्छा अलग ही कैरेक्टर देखने को मिला, अजय देवगन का जो एटीट्यूड उन्होंने कैरी किया और दूसरा सीमा पावा जी। हाँ जी बिल्कुल। संजय लीला भंसाली का डायरेक्शन कैसे लगा हुआ? बहुत अच्छा है लेकिन पद्मावत जैसा था वैसा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा काम है। 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे आप? 3.5। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, संदीप जो महेश्वरी है शासन में। जी बिल्कुल, संदीप महेश्वरी। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। हाउ वाज द फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी? गंगूबाई काठियावाड़ी कैसे लगी आपको सर? बहुत तगड़ी मूवी थी और मैं यही बोलना चाहूंगा सबके लिए कि सभी लोग देखें मूवी को जाकर और जितना हो सके फैलाएं। इफ यू से सारे लोगों की टीम चेंज हो। यू केम विद अलोन लाइक और विद फ्रेंड्स? विद फ्रेंड्स, विद फैमिली, जितना हो सके। डिड दे एंजॉय? देख सकते हैं। डिड दे एंजॉय? सीखने को देती है बहुत कुछ। अच्छा, आलिया भट्ट क्या सरप्राइज करी आपको? आलिया भट्ट का कैरेक्टर इस बार तो अलग ही था, लाइक फुल ऑन चेंज, मतलब किल्ड ऑफ था बार। और भंसाली जी की डायरेक्शन तो फिर उनकी तो बात ही अलग है। मतलब पैसा वसूल है? पैसा वसूल है। अच्छा, आखिर में म्यूजिक कैसा लगा और डायरेक्शन कैसा लगा संजय लीला भंसाली का? बहुत सही था और म्यूजिक जो सॉन्ग्स थे वो भी बहुत सही थी, कवाली लाइक कवाली टाइप एंड क्या बोलते हैं एक फील वाला सॉन्ग भी था बीच में जो बिल्कुल बिल्कुल लव वगैरह के कैरेक्टर में जाकर तो वो भी फील हुआ। अजय विजय राज के बारे में क्या कहें? अजय देखो विजय राज, अजय देवगन सर का तो फिर अलग ही बात है और जो गजियाबाड़ी वो गजियाबाई का जो रोल किया है यार, मतलब बहुत लोग नहीं कर पाते, लाइक जी बिल्कुल टफ पड़ता है जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल बहुत अलग जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, बट उन्होंने जो कैरेक्टर उनका जो निभाया है बहुत प्यारी तरीके। लास्ट मीटिंग क्या होगी आपकी 5 में से? मीटिंग हुई 5/5। थैंक यू भाई। गंगूबाई काठियावाड़ी आपने फिल्म देखी, कैसी लगी आपको अंकल? बहुत अच्छी फिल्म लगी। पैसा वसूल है? पैसा वसूल है। आलिया भट्ट का रोल बवाल? बवाल। आलिया भट्ट का रोल कैसा लगा? अच्छी फिल्म है और अच्छा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। सर फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म कैसी लगी? हाँ जी, फिल्म कैसी लगी? एंटरटेनमेंट के साथ साथ सीखने को बहुत कुछ था।
आलिया भट्ट का रोल कैसा लगा? आलिया भट्ट का रोल उन्होंने बड़े ही अच्छे से निभाया, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना तगड़ा खींच पाएंगे, क्योंकि आई हैव ऑलवेज सीन हर इन क्यूटर रोल्स एंड, लेकिन जब उन्होंने हाईवे की थी उसके बाद से आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, लेकिन उसको भी उन्होंने बियॉन्ड यहाँ पे परफॉर्म किया है, डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, मतलब इट वाज लाइक वाओ. Last thing, how's the direction? The direction has always been amazing because it's Sanjay Leela Bhansali. I love the sets. जिस तरह से उन्होंने set build किया, जिस तरह से उन्होंने characters को build किया है. The right time where the character should come, the right dialogue, the right moment. यहाँ तक कि एक moment ऐसा था जब वो गाना आया था मेरी जान मेरी जान मेरी जान, तो उसके बाद क्या होता है कि हम लोग भी गुनगुनाते हैं. उसके बाद एक सीन रहता है कि जब आलिया खुद गुनगुना रही है हमारे साथ. So it was so connected. Like we felt, I felt like wow, it's a nice placement of this dialogue in this particular. Okay, I understand. Lastly, what's your rating out of 5, sir? It's 5 out of 5, sir. Thank you, sir. Thank you.